नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो लड़की जुड़ी है जो हॉस्टल में रही है, उस हॉस्टल में जिसके बारे में 4 साल पहले मीडिया में काफ़ी अलग अलग बातें फैलाई जा रही थी। जानते हैं इनके साथ बातचीत करके क्या है असली सच उस हॉस्टल का, कितनी सुरक्षा वहाँ पर लड़कियों की होती है और ये कैसा महसूस करती थी और आज ये क्या बताना चाहती हैं समाज में। जानते हैं इनके साथ बातचीत करके। नमस्कार मैम, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम आपका शुभ नाम? कनिष्का। कनिष्का जी, आपने आप क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं भी प्लस टू में हूँ। मैम आप हॉस्टल में रही हैं डेरा सच्चा सौदा के स्कूल में, कौन से ईयर में आपने वहाँ पर स्टडी किया? मैंने UKG से लेकर फिफ्थ क्लास तक आप 6 ईयर्स मैंने वहाँ पर स्टडी करी है और मेरे को बहुत सिक्योर फील हुआ है। इतना मतलब इतना अच्छा मुझे आज तक कहीं पर भी फील नहीं हुआ जितने अच्छे से यहाँ पर रखते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं, वैसा आज तक कहीं पर भी नहीं हुआ है। और मतलब बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ की। बीइंग गर्ल सेफ महसूस करते हो आप? बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मतलब और कहीं पे इतना अच्छा फील ही नहीं होता। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चीन साहब के स्कूल कॉलेज में हॉस्टल में आते थे बहुत बार और मतलब मैंने इंटरेक्ट भी करा है और मतलब एज अ फादर फील होता था और आज भी उतना ही ट्रस्ट है चाहे लोग कुछ भी बोले। और हमें अपने अंदर से पता है कि मतलब पिताजी बेस्ट हैं और बेस्ट थे और बेस्ट ही रहेंगे। मैम दूसरी ओर जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उन सब के बारे में क्या परसेप्शन है, क्या लगता है आपको? वो एक तरफ से हमारे साथ गलत हो रहा है और मतलब हमारे फेवर में नहीं हो रहा है। अभी हमेशा हमारे फेवर में हो हर एक चीज़ ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे फेवर में होगा। आपको लगता क्या है, मतलब आपको रियलिटी क्या लगती है उन आरोप्स के बारे मतलब में? वो फेक ही है क्योंकि जब हमें इतना अच्छा सिखा रहे हैं, हमें यहाँ पे आते हुए इतना अच्छा फील हो रहा है, हम सिक्योर फील कर रहे हैं, तो मतलब साफ सी बात है कि वो गलत ही है सब। उनका नेचर कैसा लगता है आपको संत जी का? बहुत अच्छा, मतलब एकदम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम सब उनके बच्चे हैं। उन्होंने सोसाइटी के लिए लोगों के लिए क्या काम किए हैं? बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, हमें इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा दी है कि प्लांट्स लगाओ और ब्लड डोनेट करो, मतलब जिस चीज़ के लिए लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स से भी करने के लिए डरते हैं वो हम दूसरों के लिए करते हैं और मतलब अच्छा लगता है। तो वो सब कुछ हमें पिताजी ने ही सिखाया है। 4 सालों से वो नहीं है समाज में, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज के ऊपर? वही मतलब थोड़ी मतलब लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, मतलब पिताजी के वचन सुन के मतलब सत्संग में आकर सीख रहे हैं, लेकिन वो मतलब वो मज़ा नहीं है, वो मतलब इम्पैक्ट नहीं है जो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार? हम यही करना चाहेंगे कि भाई हमारी सुनी जाए, हमारी और अपर कोर्ट्स में हमारी मतलब जो दर वो है वो हमारी ली जाए, हमारे बारे में हमारा फैक्ट देखा जाए कि हमारा क्या ओपिनियन है। और कुछ लोगों की वजह से हर एक चीज़ नहीं माननी चाहिए, जो अच्छे लोग हैं मतलब जो और लोग हैं उनका भी ओपिनियन जानना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे साथ वेल एजुकेटेड लड़कियाँ जुड़ रही हैं, जो फैक्ट्स हैं उस हॉस्टल का, जो फैक्ट हैं डेरा सच्चा सौदा का, और ये लोग अपील कर रही हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चीन साहब जल्द से जल्द समाज में वापस आएँ। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।